प्रधानमंत्री को बहुत आदर सत्कार के भावना से देखते हैं, उनको लेकिन सच बोलना चाहिए। और अभी कितने बार आए बोलते हैं सर, बोलते हैं मुश्किल है सर। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वो, अभी भी कांग्रेस मुक्त भारत हो ऐसा वो बोलते हैं। आप इस सवाल के बारे में आपसे सवाल पूछता हूँ, मोदी जी अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी महंगाई के बारे में बात क्यों नहीं करते? मोदी जी किसान के बारे में बात क्यों नहीं करते? उनके पास ये इश्यूज हैं, इश्यूज पे बात नहीं करते। उनके दिमाग में फितूर भरा हुआ है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। वो कांग्रेस को हटा नहीं सकते। हमारी जो 2014-2019 की चुनाव में जो रिजल्ट हुए खराब हुए, बस वो हो गए, अब फिर नहीं होने वाले, वो फिर नहीं होने वाले। जो उनको मिलना था उसका फायदा वो मिल चुका। उनको कहिए कि साहब आप इसको छोड़िए, अपना विजन बढ़ाइए, एक परिकल्पना दिखाइए, बुलेट ट्रेन बड़ौदा से बंबई तक चला जाए, यही नहीं है उनकी परिकल्पना? अरे के जो हक में जो पैसे मिल रहे वो नहीं मिल रहे। गन्ना का जो पैसा है, का पैसा 6,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो भुगतान नहीं हो रहा है। 8,000 करोड़ में उनके प्लेन खरीदे गए प्रधानमंत्री। 8,000 करोड़ का एक प्लेन खरीदा गया है इनके लिए, मोदी जी के लिए। और सुनिए, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी छोटा वृत्तांत है। जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री और उनके ऑयल मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे केशव देव मालवीय गए कलकत्ता और वहां वो रह गए एक गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस बिलोंग करता था सिराजुद्दीन एंड कंपनी को, जो ऑयल डीलर्स। तो जब केशव देव मालवीय वापस आए दिल्ली, जवाहरलाल ने उनको बुलवा भेजा कि तुम गए थे कलकत्ता और वहां पर तुम सिराजुद्दीन के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तुम वहां अभी रिजाइन करो, तुम पेट्रोलियम मिनिस्टर हो और तुमने जाकर के एक ऑयल डीलर के गेस्ट हाउस में रिहायश रखी और मालवीय जी हैड टू रिजाइन। अब आइए साहब पोस्ट पास